नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, जो कि हम पहले जिसके अंदर हमने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा है और साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पढ़ा है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है ओलेइक एसिड का हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जो ओलेइक एसिड का ये जो मॉलिक्यूल का साइज होता है, ये हमारा लगभग जो है इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे बहुत ही स्मॉल होते हैं। या फिर हम कहें कि अगर हमें मान लीजिए 10^-8 से लेकर 10^-10 मीटर तक, अगर मान लीजिए इतने स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर हमें साइज मेजर करना है, तो हम इसके लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर सकते। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज इसके लिए नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू हम क्या मेजर कर सकते हैं, कहां तक की जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, ये यूज करता है जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये हमारी यूज करता है लगभग जो 4×10^7 मीटर से लेकर, ये इतनी फाइंड आउट कर सकता है, या फिर 8×10^-7 तक जो है मीटर तक जो है ये हमारा मेजर कर सकता है। या कहें कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये यूज करता है विजिबल लाइट का, जिसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी रेंजिंग होती है यहां से लेकर यहां तक की रेंज की होती है, उसका यूज करता है। तो इसलिए जो है जो इससे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे कि हमने इनकी बात की 10^-8, ये तो 10^-7 तक है, तो जैसे कि हमने बात की 10^-8 से 10^-10 तक इसकी बात की, तो इतने छोटे साइज को ये जो है माप नहीं सकता। तो लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो माप सकता है, उसके बारे में आगे चलेंगे यूनिट्स में, वहां पर डिस्कस करेंगे, अभी हम इसी की बात करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की। तो इसलिए जो है इसका जो एक मेथड है जिसके थ्रू जो है हम माप सकते हैं। तो देखते हैं जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है ओलिक एसिड का किस तरह से माप सकते हैं। पहले ओलिक एसिड के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं ओलिक एसिड के, ये हमारे होते हैं लगभग जो साइज इनका होता है अप्रोक्सीमेटली 10^-9 के करीब का होता है। तो पहले तो इनका जो साइज है इतनी रेंज का है, यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इसको माप नहीं सकता। और जो हमारा ओलिक एसिड है ये है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक फैटी एसिड होता है, इसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। और ये मिलता कहाँ पे है, ये नेचुरली हमें मिलता है एनिमल्स के अंदर, वेरियस टाइप के एनिमल्स होते हैं और वेजिटेबल जो फैट्स होते हैं या फिर ऑयल्स होते हैं उसके अंदर ये जनरली पाया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें, ये जो हमारा ओलिक एसिड होता है ये जो है हमारा ऑर्डरलेस और कलरलेस ऑयल होता है। तो इट इज एन ऑर्डरलेस, यानी कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की आप उसको सुगंध से नहीं पहचान सकते। तो ऑर्डरलेस है और कलरलेस है, जिस तरह से पानी होता है उस तरह का कलरलेस ऑयल होता है। जैसे कि हमने बात की वेजिटेबल फैट्स और ऑयल्स के अंदर मिलता है, तो ये जो होता है ऑर्डरलेस और कलरलेस ऑयल होता है, आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो इसका साइज है वो किस तरह से हम मापेंगे। तो इसकी मेजरमेंट करने के लिए साइज की, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले जो है आपको 1 सीसी क्या है, 1 सीसी का क्या मतलब होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप 1 ml भी बोल सकते हैं अगर अप्रोक्सीमेटली आप लगाएं। तो ओलिक एसिड आपने ले लिया और ओलिक एसिड में से आपने 1 सीसी जो है बाहर निकाल लिया, 1 सीसी सेंटीमीटर जो क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 ml मिलीलीटर भी हम आप इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों आप इसको बोल सकते हैं, 1 सीसी आपने ले लिया, तो आपने 1 सीसी ओलिक एसिड लिया और इसको आपने मिक्स कर दिया अल्कोहल के साथ। तो आपके पास क्या है, दूसरी चीज अल्कोहल है और आपने इसको अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया, जो आपने ये 1 सीसी लिया है। यहां पे ओलिक एसिड था आपके पास, आपने 1 सीसी लिया और इस 1 सीसी को आपने अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। और अब जब आपने इसको अल्कोहल के साथ मिक्स किया तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। और ये जो सॉल्यूशन बना ये कितना हमें बनाना है, ये बनाना है 25 सीसी, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है आपने सॉल्यूशन बना लिया। तो इस चीज का आपने 1 सीसी ओलिक एसिड लिया, उसको जो है अल्कोहल के साथ मिलाकर 25 सीसी आपने ये सॉल्यूशन बना लिया। अब आपने क्या किया, इसमें से आपने दोबारा से 1 सीसी ले लिया, ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया था
1 cc 1 cubic centimeter इसी सॉल्यूशन का आपने ले लिया और इसको आपने दोबारा से अल्कोहल के साथ मिलाकर जो है दोबारा से आपने इसको अल्कोहल के साथ मिलाया, जैसे 1 cc लिया था अल्कोहल के साथ मिलाया 25 cc सॉल्यूशन तैयार किया था यहाँ पे, फिर हमने इसमें से इसी सॉल्यूशन में से 1 cc लिया और अल्कोहल के साथ मिलाया और हमने क्या है 20 cc का सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तो इतना सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया दोबारा से। तो दोबारा देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 cc लिया ओलिक एसिड और अल्कोहल के साथ मिलाकर 25 cc का सॉल्यूशन, फिर हमने इसी सॉल्यूशन में से 1 cc लिया उसको अल्कोहल के साथ मिलाकर 20 cc का सॉल्यूशन बनाया। तो अगर हम ये देखें जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है, अगर आप इसको इस तरह से 25 × 20 करें तो कितना आ जाता है 500। तो यानी कि जो 500 अगर हम देखें अल्कोहल के अंदर, अगर जो आपने ओलिक एसिड लिया है 1 cc लिया है, तो अगर आप इसको लगाएं कि जो सॉल्यूशन है ओलिक एसिड का यानी कि इसका अल्कोहल के अंदर, तो कितनी कंसंट्रेशन के इक्वल है वो है हमारा, अगर हम उसकी बात करें 1/500 कि 500 जो है अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर जो है एक जो है, अगर आप बात करें ये आपका ओलिक एसिड होगा इसके अंदर इस कंसंट्रेशन में होगा 1/500 में। तो इस तरह से प्रिपेयर आपने कर लिया तो ये आपकी समझ आ गई होगी। अब देखिए मान लीजिए आप क्या लेते हैं, एक वाटर का एक बहुत बड़ा एक कंटेनर ले लेते हैं, आपने वाटर का एक कंटेनर ले लिया इस तरह से, यहाँ पे वाटर का पूरा कंटेनर ले लिया और इस वाटर के कंटेनर के ऊपर आपने N ड्रॉप्स डाल दी इसी सॉल्यूशन की, जो आपने ये सॉल्यूशन बनाया जैसे प्रिपेयर किया पूरा, तो आपने जो है यहाँ पे मान लीजिए N ड्रॉप्स डाल दी। N ड्रॉप्स का मतलब है N की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ कितनी भी ड्रॉप्स ले लें, N ड्रॉप्स आपने जो है इस वाटर के सॉल्यूशन पे डाल दी और इसकी जो हर एक ड्रॉप की जो हमारी वॉल्यूम है तो वो कितनी है, मान लीजिए एक ड्रॉप है तो उसकी जो वॉल्यूम है हम लेंगे, हम V वॉल्यूम उसकी ले लेते हैं कि V है वॉल्यूम ईच ड्रॉप की, एक है तो उसकी V, दो है तो उसका V इंटू V हो गया। इस तरह से आप कहें कि हर एक जो ड्रॉप है ईच ड्रॉप की जो वो जो वॉल्यूम है V है, तो उसके N लेंगे तो उनकी जो ईच ड्रॉप की वॉल्यूम V ही होगी। तो आपने क्या किया वाटर के ऊपर जो है इसको गिरा दिया। अब देखिए जो वॉल्यूम है N ड्रॉप्स की, अब N ड्रॉप्स आपने गिराई है इस वाटर के ऊपर, और तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें जो वॉल्यूम है N ड्रॉप्स की इस सॉल्यूशन की जो हमने गिराई है N ड्रॉप जिस सॉल्यूशन की, तो वो क्या होगी, जैसे कि हमने बात की N V होगी, तो जो वॉल्यूम है N ड्रॉप्स की ऑफ द सॉल्यूशन वो होगी N इंटू V, तो ये हो जाएगी। और जो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, अब जो वॉल्यूम है ओलिक एसिड जो हमने ये अल्कोहल के अंदर मिलाकर बनाया था उसके सॉल्यूशन लिया, तो जो वॉल्यूम है ओलिक एसिड की इसी सॉल्यूशन के अंदर 1/500 थी, तो ये कितनी हो जाएगी अगर ओलिक एसिड की हम देखें NV/500 हो जाएगी। तो 1/500 है यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर दिया N इंटू V के साथ, तो ये जो है ये हमारी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन NV/500, और ये क्या है N इंटू V वॉल्यूम ऑफ N ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन जो कि हमने ये डाली है, और वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन NV/500 ये हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा जब ये N ड्रॉप्स आपने गिराई यहाँ पे सरफेस पे, ये बड़ी जल्दी फैल जाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है जो आपने डाला है, इसके अंदर अल्कोहल है प्लस क्या है ओलिक एसिड है, यही चीज है अल्कोहल और ओलिक एसिड जो आपने ये ड्रॉप्स डाली है इसके ऊपर, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जो अल्कोहल है यहां से जो अल्कोहल है वो हमारा हो जाएगा इवेपोरेट यानी कि उड़ जाएगा, क्योंकि उसकी तो ये प्रॉपर्टी ही है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा जो अल्कोहल है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगी एक लेयर, किसकी ओलिक एसिड की लेयर बच जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सोल्यूशन से अल्कोहल तो उड़ जाएगा। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है इस लेयर के अंदर वो क्या होगी, तो वो हम निकाल लेंगे वो कितना है एरिया, और जो मान लीजिए थिकनेस है जितनी इसकी, मान लीजिए टी थिकनेस है और इसका एरिया जो है मान लीजिए ए है इस लेयर का जो ये बची है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी जो ओलिक एसिड की है यहाँ पे जो ये लेयर बनेगी, तो उसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगी ए इंटू टी एरिया इंटू थिकनेस यानी कि इस लेयर का एरिया और इस लेयर की थिकनेस, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी
ए इंटू टी हो जाएगी। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम। अब ये जो ओलिक एसिड की वॉल्यूम है ए इंटू टी, हमने क्या निकाली थी, एनवी बाई 500 निकाली थी। तो यानी कि ये दोनों बराबर है, ए इंटू टी इक्वल टू एनवी बाई 500, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम जो है ओलिक एसिड की है, जो एक तो हमने ये निकाली और एक ये हमने ओलिक एसिड की निकाली। अब ये दोनों बराबर हैं। अब जो यहां से जो है आपको T निकालना है, तो T आपका क्या आ जाएगा, T आ जाएगा NV by 500 A, ये आ जाएगा यानी कि A जो है यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा NV by 500 A। तो T यानी कि थिकनेस जो है NV by 500 A के बराबर आ जाएगी। अब यहां से जो T है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है टी का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, और जब आप टी जो है कैलकुलेट करेंगे वो लगभग जो है 10⁻⁹ मीटर के करीब आएगी, जो कि हमने स्टार्टिंग के अंदर इसका साइज देखा था। तो इस तरह से जो है आपके पास जो सारी वैल्यू होगी, तो इस तरह से जो है कितनी ड्रॉप आपने मिलाई, कितनी वॉल्यूम ये आ जाएगी, एरिया कितना है, तो थिकनेस जो है यहां से जो है इस लेयर की निकल जाएगी। तो इस तरह से जो है मेजरमेंट आप कर सकते हैं ओलिक एसिड की जो आपने लेयर बनाई है इसके अंदर। थैंक यू।